अभी हम राजगीर टाउन घुस गए हैं। कुछ ही देर में हम पहले स्काई वॉक जाएंगे, उसके बाद राजगीर में भी और बहुत सारे स्पॉट्स हैं। जितना हो सके आज के दिन में हम कवर करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज आज राजगीर घूम के हमें फिर से बोधगया लौटना भी है। वहीं पे आज हम लोग का नाइट स्टे होगा और कल का दिन हम बोधगया घूमेंगे। तो देखते हैं आज क्या क्या हम कर सकते हैं आज का दिन के लिए, और क्या क्या अवेट कर रहे हैं हमारे लिए। चलिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही सुंदर जगह है राजगीर। राजगीर घुसते ही हमें पहाड़ दिख गई, बहुत कूल प्लेस है। वहाँ हिल टॉप में एक मंदिर है, बहुत सारी मंदिर है बुद्धा की। डियर पार्क सोन भंडार स्वर्णगिरी हिल, तो बहुत लोग हैं, पार्किंग पूरा फुल है। ये है राजगीर का सोन भंडार, गोल्ड ट्रेजरी। ये राजा बिंबिसार का सोने का खजाना था, मतलब वो अपने खजाने को यहाँ पे छुपा के रखते थे। अभी हम क्यू में खड़े हैं नेचर सफारी करने के लिए। हम फाइनली नेचर सफारी राइड में बैठ गए हैं। चलिए हमारे साथ आप लोग भी इस सफारी में। देखते हैं कहाँ ले जाता है हमारी। नेचर सफारी में है, यहाँ पे जंगल के बीच बीच होके आए हैं हम। और अभी ऊपर पहुँच के बहुत सारे एक्टिविटीज़ है करने के लिए। यहाँ पे ग्लास ब्रिज स्काई वॉक भी है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड। वैसे हमें उसके लिए टिकट नहीं मिली है, बिकॉज उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। पर डे 800 विजिटर्स को ही उस पर चढ़ने के लिए अलाउड है, और ऑलरेडी हम लोग का पहुंचने तक 800 से ऊपर हो गया था, तो हमें उसके लिए टिकट नहीं मिला है। मगर हमने रिक्वेस्ट किया है, अभी देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं लास्ट में। अभी फ़िलहाल हम सस्पेंशन ब्रिज के तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि जिप लाइनिंग, स्काई बाइकिंग, ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। चलिए हमारे साथ इस नेचर सफारी को एंजॉय कीजिए। After so much of request, हम पहुंच गए हैं स्काई वॉक। टिकट नहीं था हमारे पास, मगर हम इतने दूर से आए हैं, बिना देखे जाने का मन नहीं कर रहा था। बहुत रिक्वेस्ट किया, आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ कन्विंसिंग देम एंड वेटिंग, फाइनली वी आर ऑन द स्काई वॉक। ग्लास ब्रिज, दिस इज द ग्लास ब्रिज। क्यों हम आपको अच्छा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है, डर तो नहीं लग रहा। खेल रहा हूँ, रोप वाला है ना, रोप से लगा हुआ। ये थोड़ा थोड़ा हिल भी रहा है, थोड़ा सस्पेंशन। Beautiful scenery over the hills. Suspension bridge. वहाँ से अभी अभी आए हैं हम। Towards Vishwa Shanti Stupa, Ratnagiri. वो पहाड़ के ऊपर है शांति स्तूपा। अभी हुआ है 4:35 PM और हमने सुना है कि 5 बजे को ये शांति स्तूपा बंद हो जाता है।
अभी हम लोग इसलिए रश कर रहे हैं, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। जंगल सफारी के बाद हम आए हैं शांति स्तूपा। राजगीर में भी बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, अभी इतना कम टाइम में तो हो ही नहीं पाएगा ज्यादा। वो पहाड़ के ऊपर है स्तूपा, वहाँ पे रोप वे से टूरिस्ट्स को लेके जाते हैं, तो हम चारों भी अभी रोप वे में चढ़ के शांति स्तूपा में जाने वाले हैं। शुभ ने टिकट्स ले लिया एंड वी हैव मेड इट। ये न्यू रोप वे है। अच्छा, वो हिस्टोरिकल रोप है, वो बहुत पहले से है। ओ, वहाँ पे एक भी फंक्शनल है, उसमें भी जा सकते हैं। अच्छा, उसमें भी जा सकते हैं? उसमें एक एक आदमी बैठता है। अच्छा, छोटा है वो? ओ, बहुत छोटा रोप वे है, वो बहुत पुराना है, वो हिस्टोरिकल रोप वे है। वैसे स्काई वॉक फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन एक्साइटमेंट, फुल ऑफ थ्रिल एक्टिविटी था वो पूरा। ग्लास का चैनल 100% ग्लास से बना हुआ था, उसमें चढ़ के बहुत अमेजिंग फीलिंग हुआ। आप लोग भी जरूर आइए, बिहार आने से राजगीर आना मत छोड़िए, और राजगीर आने से आप लोग स्काई वॉक कभी मिस मत करिए। कैसे पहाड़ फाट के बनाया है, व्हाट अ व्यू, पूरा वैली, पूरा पानी, लूडो का गोटी लग रहा है इसका, देखो नीचे वाले, हाँ नीचे वाला वो है हिस्टोरिकल रोप वे। अब लग रहा है करंट चला गया, हम अटक गए हैं। ये कैसे झूल रहा है, स्विंगिंग इन द स्काई, सब रुक गया। एक अच्छा है कि इससे जाके हम शांति स्तूपा जाएंगे, है ना, वो चीज अच्छा है। इसमें भी एक एक आदमी आ रहे थे, उसमें तो क्या फीलिंग आएगा, खुला है, डर लगेगा, डर लगेगा। So, राजगीर रोपवे से होके हम अभी पहुंचे हैं ब्यूटीफुल शांति स्तूपा, और रोपवे पे चढ़ के इतना एक सुंदर नजारा मिलेगा ये मैंने इमेजिन नहीं की थी। इतना बड़ा दार्जिलिंग पीस पगोडा से भी बड़ा है ये, बहुत बड़ा। At the view, so serene, so beautiful. पूरे दिन था खाए के बिना, ज्यादा कुछ खाए पिए हमने घूम लिया, अभी फाइनली खाने बैठे हैं। बहुत थके हुए हैं, खा के हम निकल जाएंगे राजगीर से टूवर्ड्स बोधगया। पहाड़ों के बीच में से होते हुए
हम अभी राजगीर को छोड़ देंगे और हम अभी हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन गया, हमारा होटल बोध गया में, वहाँ तक अभी निकल पड़े हैं। महाबोधि टेम्पल बोध गया 65 किलोमीटर फ्रॉम हियर। इतना सुंदर रास्ता है पहाड़ के साइड से, लगता है ग्रेट वॉल है, बहुत ह्यूज एक पत्थर का वॉल जैसा लग रहा है। वेरी नाइस सीनरी। हम अभी गया में घुस गए हैं। अभी फिलहाल होटल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर है और हमारा होटल बोध गया में लोकेटेड है। हाफ एन आवर जैसा लगेगा राजगीर से गया तक। हम जिस रूट से आए हैं बहुत ही सुनसान रास्ता था, शॉर्टकट था वो, और अभी फाइनली हम सिटी पहुंच गए हैं। बड़ा सिटी है ये गया। अभी हम जा रहे हैं बोध गया की तरफ, संबोधि द्वार। वी आर एंटरिंग बोध गया